इनको पहले ही पता मिलना चाहिए था, वो पता ही नहीं कर क्या रहे। आ जाइए पीछे से, ऐसे करना पड़ेगा पोस्टर क्योंकि वो प्लस होता है ना एंड में, तो प्लस में बहुत प्लस है। आई थिंक दे आर 59 और 60। जब मैंने वो सुपर वुमन करी थी ना तो मैंने स्टडी किया था, 60-70 है। ऑलराइट, तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, ट्रेलर हमने देखा बहुत ही ऑसम है, कल इसकी स्क्रीनिंग भी थी, बहुत सारे लोग आए हैं, सभी को बहुत ही पसंद आई है। आप लोग बताइए, तो सबसे पहले तो ये जानना चाहिए कैसा रहा एक्सपीरियंस विद शूटिंग का, कि जिस तरह से ये फिल्म ट्रेलर में दिखाती है, मैंने तो अभी ये फिल्म नहीं देखी है तो मैं देख के आप लोग को बताऊँगा, लेकिन जिस तरह से ट्रेलर से हमने देखा है आप लोगों की एक्टिंग जिस तरह से निकल कर आई है, तो पहले ये जानना चाहिए कैसा रहा एक्सपीरियंस विद सफेद। एक्सपीरियंस देखिए, आप तो जो देख रहे हैं ना, हमें शूट करते समय पता ही नहीं था कि ये क्या निकल के आएगा, कैसा निकल के आएगा। आई थिंक एज एक्टर्स एंड आई स्पीक फॉर एवरीवन हियर, हम एक डायरेक्टर के कन्विक्शन से गए, संदीप के कन्विक्शन से गए, उसके फेथ से गए शूट करते समय। ऑनेस्टली टुडे आई थिंक एटलीस्ट आई फील व्हेन आई सॉ द ट्रेलर, हम तो फिल्म भी देख चुके हैं, ऐसा लगा कि ओ माय गॉड हमने ये बनाया है। शूट करते समय इतना पता नहीं चला क्योंकि उस समय हम अपने कैरेक्टर्स में घुसे हुए थे, एक बहुत ही यू नो मुश्किल चीज़ करने की कोशिश कर रहे थे, उस हम कोशिश कर रहे थे, कैसी होगी पता नहीं था बट कोशिश कर रहे थे। सो आई थिंक वी वर टू सेल्फ इन्वॉल्व्ड विद हमारा कैरेक्टर कैसा है, एंड इंडिविजुअली भी एंड टुगेदर, कि लाइक फॉर मी एंड अभय, मेरे ज़्यादातर सीन्स अभय के साथ ही हैं, कि मैं और अभय अपनी केमिस्ट्री कैसे लेकर आएँ, वो रिलेशनशिप कैसे दिखाएं लोगों को जो एक्चुअली है, एंड आई एम श्योर अभय और मीरा ने वो ही किया होगा। बट हमारा एक्सपीरियंस यही था दैट कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट कर रहे हैं और कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसका वन पर्सन विच इज़ संदीप, उसका बहुत फेथ है इस पर, एंड आई थिंक वी ऑल जस्ट वेंट बाय दैट। You know, I've always said that it's a beautifully painful film. The shooting was very painful. I think Abhay roz ro raha tha aur main roz lad rahi thi. Mujhe nahi pata Barkha lad rahi thi ya nahi, but I was fighting every day. And I was feeling very sad every time I would see him crying, but uska role itna tough tha ki usko rona nikal jata tha. So it was a very painful shooting experience. अपनी एक छोटी सी कहानी बताना चाहूँगी। राइट आफ्टर दिस फिल्म आई जम्प्ड इनटू अनदर फिल्म विद फ्रेडी एंड तनुज विच वाज बीइंग शॉट इन बनारस, सेम जगह पे शूटिंग हो रही थी, आई थिंक 15 या 20 दिन का फ़र्क था। और जब मैं सफ़ेद की मैंने शूटिंग ख़त्म करी थी, मैंने संदीप को मैसेज किया था आई वुड नेवर वॉन्ट टू गो थ्रू दिस एक्सपीरियंस एवर अगेन बिकॉज इट वॉज क्वाइट पेनफुल। लेकिन जब मैंने उस वाली मूवी की शूटिंग करी तो आई वॉज गिवन अ स्वीट रूम, अ फैंसी होटल, वेरी कंफर्टेबल शूटिंग, 7 घंटे की शूटिंग होती थी, यहाँ पे हम 18 घंटे शूट कर रहे थे। तो 6-7 दिन वो वाली शूटिंग करके ना मैं बोर हो गई, मैंने संदीप को मैसेज किया डूड आई एम रियली मिसिंग यू एंड आई एम मिसिंग शूटिंग फॉर सफ़ेद, बिकॉज वो जो पेनफुल एक्सपीरियंस था ना उसमें इतना मज़ा आया था कि आफ्टर आई गॉट डन आई रियलाइज दैट हाउ ब्यूटिफुल दैट एक्सपीरियंस वॉज। Yeah, I agree to the fact that most painful experiences always create the most strangest and funniest memories. Memories, yes. Yeah, and having said that, I would also like to say about the privilege of all three of us representing these communities, which three of us are speaking about, and we want to speak it all from our heart as we shot in the film. बहुत ही दिल से की हुई कोशिश है और आई थिंक कोशिश को हमेशा पहले रखना चाहिए किसी भी चीज़ से, क्योंकि एक कोशिश सिर्फ कोशिश नहीं, एक शुरुआत होती है किसी चीज़ की। और हम तीनों ने ही और बाकी सब ने भी फिल्म में बहुत ही साफ़ और अच्छी नीयत से वो कोशिश की शुरुआत करने की कोशिश की है, तो आई थिंक वो उसी तरीके से रिसीव हो एंड सफ़ेद के साथ लोग जवाब ही नहीं सवाल भी लेके जाएँ। अब तक ये दो ब्यूटीफुल लेडी भी आपकी तारीफ कर रही है इस फिल्म से लेकर, कैसे देखते हैं आप? एंड साड़ी में आना, अपने आप को ट्रांसजेंडर में अपने आप को चेंज करना, कितना इजी या कितना टफ था आप लोगों का? तीसरा सवाल ये कि कितना साड़ी में कितना इन्होंने आपकी हेल्प की साड़ी में? नॉट इवन 1%।
इसकी फाइट सिर्फ इसकी अकेली की थी, वी आर नॉट पार्ट ऑफ इट. नहीं, वो फाइट जो है वो टफ और इजी तो बहुत परे की बात थी वो जज करना, बट ऑनेस्टली व्हेन यू आर डूइंग समथिंग फॉर अ कॉज, अगर आप अपने उसके हाँ अपने लिए करते हैं तो बहुत अलग बात होती है. व्हेन यू आर डूइंग समथिंग फॉर अ बिगर पर्सपेक्टिव तो वो कंफर्ट डिसकंफर्ट वो बहुत अलग की बात हो जाती है. देन यू आर फाइटिंग एंड देन यू आर स्ट्राइविंग फॉर द कॉज. तो जो एक्सपीरियंस रहा वो जितना पेनफुल था मैं उसको खुशी से लेना चाहूँगा, क्योंकि वो कुछ पेनफुल चीज़ें ही हैं. मतलब कुछ एक नया कदम उठाने के लिए मतलब एक ज़ोर से बोलना ज़रूरी है ताकि ध्यान इधर जाए, तो वो बहुत ज़रूरी था मेरे लिए. और वो मैं बस कोशिश करता, बस वही कोशिश रही कि उसको दिल से निभा सकूं, क्योंकि चीज़ें बहुत ही सेंसिटिव थी. और बस एक चीज़ माइंड में थी कि अच्छी नीयत से अगर कुछ भी करेंगे ना तो वो ज़रूर पहुंचेगा दुनिया तक. ट्रेलर में आप लोगों ने एक सीन देखा होगा कि अभय सीढ़ियों से नीचे उतर के आ रहा है, वो यू नो ही इज जस्ट इन अ वेरी ऑकवर्ड रनिंग फ्रॉम द वर्ल्ड, ही इज जस्ट रनिंग डाउन. उस सीन में अभय के दोनों पैरों के पैर नीचे से जल गए थे, एंड जब संदीप को पता चला पैर जल गए तो संदीप ने पर्पसली वो शॉट रखी. एंड आई कैप्ट टेलिंग संदीप, आई सेड लिसन यू आर हार्टलेस, प्लीज डोंट कीप दिस शॉट, ही विल नॉट बी एबल टू रन, दैट इज़ टू ऑन स्टेयर्स. सो संदीप वॉज लाइक नो, आई वॉन्ट दैट पेन टू कम ऑन स्क्रीन. और इस लड़के ने भी कुछ नहीं बोला, इसने वो कर दिया. और वो शॉट आई थिंक 10 बारी संदीप ने लिया था, 10 बारी वो सीढ़ियों में जल, यू नो हिज फीट वर मतलब कोयले के ऊपर पैर चले गए थे मेरे गलती से. एक सीन करते हुए राधा और मेरा जो सीन है, एक वो घास वाले एरिया में, तो वो लोबान देते हैं हमारे यहाँ, तो वो पैर गलती से कोयले पे रख दिया था, किसी भले इंसान ने दिया वो मुझे दर्द. जैसे मैंने बोला पेनफुल एक्सपीरियंस था. बरका जी, आप सभी से जानना चाहेंगे जिस तरह से ट्रांसजेंडर कम्युनिटीज की बात इसमें दिखाई गई है, एंड मैंने नोटिस किया कि हम जितना लाइक मॉडर्न की दुनिया में जाते जा रहे हैं, ट्रांसजेंडर को हम उतना ही साइड करते जा रहे हैं. अगर हम पहले के ज़माने की अगर बात करें, राजा महाराजाओं की बात करें, तो उन्हें बहुत रिस्पेक्ट मिलती थी. वो उनकी रसोइयाँ संभालते थे, उनके क्या कपड़े पहनेंगे क्या नहीं पहनेंगे उस पर बहुत सारा बातें करते थे. युद्ध में क्या रणनीति होगी, क्या करेंगे, क्या उसे भी डिबेट करते थे. लेकिन अब हम जैसे लाइक मॉडर्न जमाने में आ रहे, वैसे हम देखते हैं कि उनको उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती है. एंड ट्रेन में या फिर सिग्नल पे हम देखते हैं उनके साथ, क्या ये वो क्या रीज़न है एज ए एक्टर आप लोग, क्योंकि उस किरदार को जीते हैं, इसलिए मेरा सवाल था. मैं आपसे भी जानना चाहूँगा ये वो क्या रीज़न है जितना हम मॉडर्न की दुनिया की तरफ आ रहे हैं उतना हम इन्हें जो है नफरत की नज़र से देखते हैं, इन्हें एक अलग दर्जा देते हैं, अपनी सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं करते. यार आप जो बोल रहे हैं मॉडर्न, मुझे लगता है कि जो लोग ऐसे हैं जो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो वो क्लियरली मॉडर्न तो नहीं हुए हैं. आई थिंक वो राजा महाराजा को जो टाइम आप बता रहे हैं और मॉडर्निज्म के बीच में कहीं अटक के रह गए हैं और कुछ फालतू ही बिलीव्स लेकर आई थिंक ज़िंदगी अपनी जी रहे हैं. बट आई थिंक एक अगर आप बोलें कि ऐसा क्यों हो रहा है, दी ओनली मोस्ट नेचुरल थिंग आई कैन थिंक ऑफ इज़ एम्बेरसमेंट, कि लोगों को ट्रांसजेंडर्स ये कम्युनिटी एक एम्बेरसमेंट लगती है, उनके खुद के फैमिलीज़ को भी लगती है. एंड जब खुद की फैमिलीज़ को ही लगती है तो बाहर वाले तो फिर आप क्या ही क्वेश्चन कर सकते हैं उनको. सो दैट इज़ वॉट आई गॉट टू नो फ्रॉम जो हमने जिन भी लोगों के साथ शूट किया. आई थिंक 90% लोगों की यही कहानी थी कि हमारी फैमिलीज़ के लिए हम एक एम्बेरसमेंट हो गए थे तो हमें निकाल दिया गया हमारे परिवार से. सो आई थिंक इट स्टार्ट्स फ्रॉम होम. ये जो कहते हैं ना, कोई बदलाव अगर लाना हो तो वो घर से ही शुरू होता है. तो अगर आपके घर में ही ये नहीं हो रहा है तो देन आई थिंक हम क्या मॉडर्निज्म या उसको अर्बनिज्म को क्या क्वेश्चन कर सकते हैं. बट इट्स द एम्बेरसमेंट एंड नॉन एक्सेप्टेंस, कि एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं कि अलग इंसान है पर है तो इंसान. सो या नो, आई वुड लाइक टू एक्सटेंड व्हाट बरखा सेड. एक्चुअली यू नो एक्सेप्टेंस इज़ अ वेरी बिग चैलेंज फॉर दिस कम्युनिटी. एंड यू नो थोड़ा टेक्निकल बोलना चाहूँगी. इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम गिविंग अ सर्टन सोसाइटी अ लीगल प्रिविलेज. अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा, मैं काफ़ी पढ़ती रहती हूँ, तो मैंने पढ़ा था कि ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट, जिसमें ट्रांसजेंडर्स को लीगल राइट्स दिए हुए हैं, वो कब बना है? वो 2019 में बना है, अब भी. उससे पहले तो उनके पास कोई राइट्स नहीं थे, उनके पास कोई प्रोटेक्शन नहीं थे. 2019 में गवर्नमेंट ने बोला है कि
जो जैसे हमने दिखाया है कि जब कोई ऐसा बच्चा पैदा होता है तो उसको उसके घर से निकाल देते हैं. गवर्नमेंट ने बोला जो उसको उसके घर से निकालेगा वो क्रिमिनल लायबिलिटी उस पर होगी. इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए, इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए, इक्वल हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ देनी चाहिए. गवर्नमेंट ने ये सारी चीज़ें अभी बनाई हैं, 4 साल पहले 3 साल पहले, उससे पहले तक तो इट वॉज़ जस्ट एन इग्नोर्ड पार्ट ऑफ सोसाइटी. गवर्नमेंट ने तो बना दी लेकिन वी एज अ सोसाइटी हम उन चीज़ों पर अमल ही नहीं कर पाए हैं, हम अभी तक उनको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए हैं. हम अभी भी वो चीज़ कर रहे हैं जो गवर्नमेंट ने बोल दिया गलत है, बट हम लोग अभी भी वो कर रहे हैं. सो आई थिंक एक्सेप्टिंग देम एज अ ह्यूमन बींग फ्रॉम अ ह्यूमेन लेवल दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. नहीं मेरी दो सबसे फेवरेट लेडीज़ ने सब कुछ बोल ही दिया है, बट एक ही चीज़ है मैं जो बोलना चाहूँगा कि लोग ऐसा समझते हैं कि अपने आप को थोड़ा बेहतर समझते हैं और उनको कमतर समझते हैं. आई थिंक वो जो चीज़ है ना वो कभी भी सोसाइटी में बैलेंस क्रिएट कर ही नहीं पाएगा. तो सोच से ही सब कुछ शुरुआत होती है सब चीज़ की. और जहाँ तक लोग मतलब मैं बोलूँगा क्योंकि मैं भी इस चीज़ का पार्ट हूँ, तो लोग हमें गंदा बोलते हैं और क्योंकि मैंने चांदी को प्ले किया है तो लोग मैं वो चीज़ समझ सकता हूँ. तो लोग बोलते हैं हाँ ट्रांसजेंडर्स जो हैं वो मतलब अब थोड़ा वैसा थोड़ा उनको अलग तरीके से जो ट्रीट करते हैं, बट वो ये नहीं देखते कि दुनिया के मतलब धुतकारने के बाद भी वो किस तरीके से इस दुनिया में आते हैं और हमसे ज़्यादा रंग लेके आते हैं हमारी ही दुनिया में, और हम ही हैं जो पीछे हो जाते हैं कि नहीं भाई हमें नहीं चाहिए. तो बड़े वो हुए या हम हुए, आई थिंक वो चीज़ के बारे में एक सोचने की ज़रूरत है. बल्कि मैं तो ये बोलूँगा कि उनके पास कोई फ़िल्टर्स नहीं है, हमारे पास फ़िल्टर्स हैं, तो बदलने की ज़रूरत जो वो हमें है और किसी को नहीं. जी एंड क्योंकि कल स्क्रीनिंग थी इस फिल्म की, बहुत सारे लोग आए, मनोज बाजपेयी भी है, बहुत ही खुश थे वो इस फिल्म को देखकर. क्या कुछ मेरा आप लोगों को फीडबैक मिला इसमें, क्या कुछ एप्रिसिएशन मिला अगर आप लोग बता सकें. ऑनेस्टली आई वॉज वेरी स्कैर्ड बिफोर द स्क्रीनिंग. मैं आप ही को बोल रही थी हो सकता है हमारे करियर खत्म हो जाए इस पिक्चर के बाद. Because you know it is such a lie. No. I'm kidding. नहीं थैंक यू. नो आई एम किडिंग. मेरा कहने का मतलब ये है कि इतनी अलग पिक्चर है ना कि कोई अटेम्प्ट ही नहीं करता बनाने का, सोचने का और करने का. ऑनेस्टली कोई नहीं करता. और यहाँ पे हम सब ने वो एक डेयरिंग दिखा दी. सो आई वॉज इन दैट डिलेमा कि ये डेयरिंग जो हम लोगों ने दिखाई है वो एक्सेप्ट होगी कि नहीं होगी. बिकॉज एवरीबॉडी वॉन्ट्स टू सी हैप्पी सिनेमा, एवरीबॉडी वॉन्ट्स टू सी यू नो ब्राइट नाइस खुश एक्शन. कोई वो ही है जो रेपिटेडली चीज़ें चलती जा रही है. वी ऑल वॉन्ट टू वॉच दैट. सो वी हैव अटेम्प्टेड समथिंग विच इज़ वेरी डिफरेंट. या वेरी डिफरेंट. सो मुझे एक डर था बट कल जो सबने फीडबैक दिया आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी. आई थिंक वी हैव डन समथिंग मैजिकल ऑनेस्टली. मनोज बाजपेयी साहब की आप बात कर रहे थे, मैंने तो लकीली मुझे मौका मिला मेरा करियर शुरू करने का फैमिली मैन से उनके साथ मौका मिला, और वो जो कुछ भी बोलते हैं मैं उस चीज़ को गांठ मान लेता हूँ. वो मतलब मैंने उनको गुरु की तरह ही माना है अपनी ज़िंदगी में, और जो भी कुछ सीखा है, कोई प्रोफेशनली तो एक्टिंग सीखी नहीं बट जो भी सीखा है उनसे ही सीखा है. तो जब उन्होंने मुझे बोला कि हाँ तूने अच्छा काम किया है, तो आई थिंक वो गुरु दक्षिणा जो उन्होंने दे दी है मुझे वो हमेशा मेरे साथ रहेगी और मैं उसी को लेके चलता रहूँगा आगे. मैं तो थी नहीं कल अनफॉर्चुनेटली स्क्रीनिंग पर. Yeah, we actually missed her. I think she should have been there. Everyone missed you actually. Everybody was loving you. देखिए सब ने मुझे मिस किया तो आपको सवाल का जवाब मिल ही गया. फिर मैंने अच्छा ही किया होगा जो मुझे मिस कर रहे थे. नहीं, नहीं, नहीं. मतलब या तो अच्छा बोलने के लिए मिस कर रहे थे या कुछ बुरा बोलने के लिए पर मिस कर रहे थे. बिल्कुल अच्छी बहुत ही तारीफ होगी ये फिल्म Z5 पे आने वाली है, तो कहेंगे आप लोग Z5 पे आने वाली आप लोग प्लीज देखिए हमारी पिक्चर. बहुत बहुत खूबसूरत कोशिश करिए. न्यू ईयर्स का टाइम है और न्यू ईयर्स के टाइम सारे पार्टी करना चाहते हैं, बट एक घंटे की पिक्चर है, इतनी छोटी पिक्चर कभी बनी नहीं, तो देख लीजिए मजा आएगा. 29th of December is all what I want to say. On Z5. On Z5. Please watch it. Thank you. Thank you so much. Thank you. That was quick and easy. हाँ वो पीछे से इशारा कर रहे हैं भाई. रैप अप कर दे.